हेलो, मैं डॉक्टर विनय आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, टैक्सोनॉमी का। आज हम लोग जो है टैक्सोनॉमी में फैमिली लेमिएसी या इसी का ओल्डेस्ट नेम है लेबिएटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके हैबिट के बारे में, हैबिटेट के बारे में, उसका फ्लोरल फार्मूला के बारे में, और ये जो फ्लोरल डायग्राम है इसके बारे में आज हम लोग जो है समझेंगे। देखिए, जो फैमिली लेबिएटी है इसको जो है मिंट फैमिली के भी नाम से जो है वो जाना जाता है, या कभी कभी जो है सेज फैमिली के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। आप जैसे कि इसमें एग्जांपल जो है वो तुलसी आ गया, इसका एग्जांपल है रोजमेरी है, मिंट है, या सेज इसके जो है उदाहरण है। अब ये जो है मोस्टली पाया कहाँ पर जाता है, गर्मियों में जहां पर जो है बारिश ज्यादा हो रही होती है वहां पर जो है मोस्टली जो है पाया जाता है। और अगर इसकी बात करें पूरे वर्ल्ड में जो है इसके लगभग 236 जेनरा पाए जाते हैं, और लगभग 7,000 के करीब जो है वो स्पीसीज जो है वो देखी गई है। और अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली जो है वो हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स मतलब कि कह सकते हैं कि एनुअल प्लांट्स होते हैं। कुछ जो होते हैं वो श्रब्स होते हैं, यानी कि झाड़ी नुमा, रेयरली जो है झाड़ी नुमा जो है हमको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है ओगो एस्टेमोन जो कि जो है श्रब है फैमिली लेबिएसी में। अब इसके लीव्स की बात करें तो लीव्स में जो है जैसे कि इसकी लीव्स जो होती हैं वो पीटियोलेट होती है। पीटियोलेट का मतलब है लीव्स की बेस पर जो है ये पीटियोल अरेंज रहेगा। अब अपोजिट पाई जाएंगी, अपोजिट का मतलब कि अपोजिट मतलब कि आमने सामने, जैसे कि ये अगर स्टेम है तो इसमें लीफ जैसे कि अपोजिट पाई जाएंगे आमने सामने, ये लीफ इस तरीके से जो है लीफ का अरेंजमेंट रहेगा अपोजिट। दूसरा क्या है डेक्यूसेट, डेक्यूसेट का मतलब होता है क्रिस क्रॉस फॉर्म में, क्रिस क्रॉस फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लीफ जो है यूं ऐसे अरेंज रहेंगे क्रिस क्रॉस फॉर्म में, या सिंपल हो सकती है सिंपल लीफ जैसे कि जो है पाई जा सकती है, या कभी कभी जो है स्टिपुलेट इसमें जो है वो एब्सेंट रहेगा। अब स्टिपुलेट जो है लीफ के बेस पर जैसे कि पिटियोल के बेस पर एक स्टिप्यूल अरेंज रहता है स्ट्रक्चर, कभी कभी वो जो है एब्सेंट रहेगा विदाउट स्टिप्यूल होगा। और इनके जो है मेंबर्स जो है वो मोस्टली हेरी होंगे, यानी इसमें छोटे छोटे से जो है उसके स्टेम में जो है या लीफ पे जो है सॉरी लीफ्स पर जो है वो हेयर्स पाए जाएंगे। और अब इसमें जो है रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन जो है डाइकोटिलेडंस का जो है वो सिग्निफिकेंट फीचर है। जैसे कि अगर आप इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है, फाइलम एंजियोस्पर्म है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट है। दूसरा क्या है क्लास डाइकोटिलेडंस, डाइकोटिलेडंस की ही वजह से इसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है इसकी लीव्स में। ऑर्डर लेमियल से बिलोंग करता है, फैमिली लेमिएसी। अगर जीनस की बात करें तुलसी की तो तुलसी का बॉटनिकल नेम ऑसिमम है, और स्पीसीज बहुत सारी हैं जैसे सेंक्टम हो गई, ठीक है। अब इसमें जो है अगर इन्फ्लोरिसेंस किसकी बात करें, इन्फ्लोरिसेंस एक्चुअली होता क्या है कि फ्लावर का अरेंजमेंट, कि फ्लावर जो है वो अरेंज किस प्रकार से है, तो यहाँ पर जो है फ्लावर जो है वर्टिस लस्टर फॉर्म में जो है वो अरेंज रहता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लेबिएटी या लेमिएसी में जो है इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का होता है, तो वर्टिस लास्टर टाइप का होता है। वर्टिस लास्टर टाइप का मतलब कि जो है फ्लावर जो है वो एक रोल में यानी कि चक्र में अरेंज रहेंगे, जिसमें कि क्या होगा कि पेयर में जो है डाइचेजियल काइन जो है वो अरेंज है। अब डाइचेजियल काइन क्या होता है, जैसे कि ग्रुप में इस प्रकार से मान लीजिए एक ये स्टेम है, इसमें जैसे कि फ्लावरिंग है, इसमें ये ट्राइफर्केड हो गया, यानी कि तीन भागों में जो है डिवाइड हो गया, उसमें फिर जो है फ्लावरिंग हो एक रोल के रूप में, चक्र के रूप में जो है आपको देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें इसके फ्लावर की तो इसमें फ्लावर जो होता है वो पेडिसिलेट होता है। पेडिसिलेट का मतलब क्या होता है कि फ्लावर के बेस पर जो है वो पेडिसिल पाया जाता है, तो उसको जो है पेडिसिलेट कहते हैं। अब जो है जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि फ्लावर का जो इस पर जो है फ्लावर
अरेंज है उसको पेडिसिल बोलते हैं, जिस फ्लावर में पेडिसिल पाया जाता है उसे पेडिसिलेट फ्लावर बोलते हैं। दूसरा क्या है, ब्रैक्टिएट होगा, तो ब्रैक्टिएट का मतलब क्या है, फ्लावर के बेस पर जो है कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको ब्रैक्स कहते हैं या ब्रैक्टियोल्स कहते हैं, और उन फ्लावर को जो है ब्रैक्टिएट बोलते हैं। फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक होगा, जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि हम फ्लावर को जो है किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल हाफ में अगर नहीं डिवाइड होता है तो उसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। और जाइगोमॉर्फिक का जो है साइन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, परसेंट लाइक जाइगोमॉर्फिक का साइन। और कभी कभी देखा होगा कि इसमें जो है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पाया जाए, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब जो है फ्लावर को किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल हाफ में जो है डिवाइड हो जाएगी, यानी कि सिमेट्री उसमें जो है पाई जाएगी। तो एक्टिनोमॉर्फिक का जो है साइन कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगा एक्टिनोमॉर्फिक का। थर्ड बात क्या है, जैसे कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो है मिल्क में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लावर जो होता है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट का मतलब कि फ्लावर में चार पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो इसमें जो है चारों ही आपको पार्ट देखने को मिलेंगे। और फ्लावर हाइपोगाइनस होता है, यानी कि ओवेरी यहाँ पर जो है वो सुपीरियर रहेगी। अब ओवेरी जैसे कि जो है सुपीरियर रहेगी, क्या मतलब है सुपीरियर का, मतलब ओवेरी के जो है मतलब कि कह सकते हैं कि फ्लावर की गाइनोशियम पार्ट यानी ओवेरी वाला पार्ट जो है ऊपर की ओर होगा थोड़ा सा, और बाकी सारे पार्ट जो है जैसे कि फ्लावर के स्टेमेन हो गए, एंथर हो गए, तो ये जो है उसके जो है बेस से निकलेंगे ओवेरी के। तो इस प्रकार की ओवेरी को कहते हैं हाइपोगाइनस या सुपीरियर ओवेरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ओवेरी जो होता है थोड़ा सा ऊपर होता है और सभी पार्ट जो है ओवेरी के बेस पर होते हैं, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। इसमें देखिए चारों पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये सेपल्स हो गया, ये पेटल्स हो गया, ये एंथर हो गया और ये ओवेरी हो गया। अब बात करते हैं कि कैलिक्स, कैलिक्स की जैसे कि यूनिट आप लोग जानते ही हैं, कैलिक्स की यूनिट जो होती है वो सेपल्स होती है। अब कैलिक्स जो है यहाँ पर चार अथवा पांच आपको सेपल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और गैमोसिपेलस कंडीशन पाई जाएगी। गैमोसिपेलस का मतलब क्या है कि जुड़े हुए जो है सेपल्स आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड बात क्या है कि कैलिक्स में ट्यूबुलर या फनल शेप, और जो सेपल्स का जो शेप होगा वो ट्यूबुल्स लाइक होगा, ट्यूब की तरह या फनल की तरह होगा। समटाइम टू लिप्स और वाइलेबेट, देखिए कभी कभी क्या होगा कि ये दो भागों में डिवाइड रहेगा। ठीक है, यानी कि दो भागों में, वाइलेबेट मतलब दो भागों में, अगर चार पाए जा रहे हैं तो वो दो दो के उसमें जो है डिवाइड रहेंगे कुछ इस प्रकार से। कोरोला का नंबर जो है, यानी कि कोरोला की यूनिट जो होती है वो पेटल्स होती है, कोरोला का नंबर चार अथवा पांच रहेगा पेटल्स। और यहाँ पर भी जो गैमो पेटल्स कंडीशन पाई जा रही है, पेटल्स भी जो है वो फ्यूज रहेंगे। यहाँ पर भी जो है बाई लेबिएट, यानी कि अगर दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड रहेंगे। इसमें क्या होगा कि अपर लिप्स के पास जो होती वो दो नॉच पाई जाएंगे, जबकि लोअर लिप्स के पास जो है वो तीन नॉच पाई जाएंगे। एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम में जो है इसमें चार स्टेमन हमको देखने को मिलेंगे इस फैमिली में, जो कि डायडाइनमस कंडीशन में पाए जाएंगे। देखिए डायडाइनमस कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर चार स्टेमन पाए जा रहे हैं और दो दो के पेयर में है, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है यानी कि फ्यूज्ड है, तो यानी कि क्या है कि दो स्टेमन जो है वो बड़े होंगे अदर दो की कंपेरिजन में। तो डायडाइनमस का मतलब ये है कि अदर की कंपेरिजन में जो है दो बड़े होंगे, जैसे कि यहाँ पर जो बना देते हैं दो बड़े कुछ इस प्रकार से, दो छोटे हैं दो बड़े होंगे। और एपीपेटलस होगा, एपीपेटलस का मतलब ये है कि स्टेमन जो है वो पेटल्स के साथ जो है वो अटैच्ड रहेगा। अब क्या है यहाँ पर बेसिफिक्स का मतलब कि बेस से अटैच रहेगा। गाइनोशियम की बात करें तो बाई कार्पली होगी, यानी कार्पल का नंबर दो होगा, और सिन कार्पस होगा यानी कि फ्यूज्ड कार्पल जो होंगे, फ्यूज्ड जो है कार्पल पाए जाएंगे। लेकिन और ओवेरी सुपीरियर होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया थे कि ओवेरी जो है थोड़ा सा ऊपर होगी, बाकी सभी पार्ट जो है ओवेरी के
फेस पर। टेट्रालोकुला मतलब की जो है क्या कहने का मतलब है, टेट्रालोकुला मतलब चार चैम्बर पाए जाएंगे। बेसिकली होते तो दो ही हैं, बाइकार्पलरी है, लेकिन टेट्रालोकुलर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेप्टा यानी कि वॉल जो है वो फॉल्स वॉल जो है वो बन जाती है, इस वजह से वो टेट्रालोकुलर दिखता है। देखिए बीच में डॉट डॉट है, वो फॉल्स वॉल है। अब इसका स्टाइल की बात करें, देखिए स्टाइल जो है वो ये पार्ट है स्टिग्मा के बेस वाला फ्लावर में, स्टाइल गाइनो बेसिक होगा यानी कि ओवरी के बेस से निकलेगा, और स्टिग्मा जो कि सबसे अपर पार्ट है वो जो है क्या होगा बाइपेड यानी कि दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। फ्रूट की बात करें तो मोस्टली जो साइजोकार्पिक फ्रूट होगा यानी कि मैच्योर होने पर जो है तीन चार मेरिकार्प्स में जो है स्प्लिट हो जाएगा, या कभी कभी एक्नीस के फॉर्म में भी हो सकता है यानी कि जिसमें सिंगल सिंगल सीड पाया जाए और वो जो है स्प्लिट नहीं यानी कि टूटता नहीं है, या नटलेट फॉर्म में। सीड की बात करें तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक होगा यानी कि इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट रहेगा। पॉलिनेशन की बात करें अगर लेमेसी फैमिली में तो पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, और इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होने की प्रक्रिया को जो है एंटमोफिली कहते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। देखिए ये जो है साइन है जाइगोमॉर्फिक का, ये है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब जैसे कि फ्लावर हमने बताया था आपको हर्माफ्रोडाइट है, ये हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल जो है दोनों एक ही प्लांट पर एक ही फ्लावर पर पाए जाए, उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। के जो है वो डिनोट कर रहा है कैलिक्स को, कैलिक्स जो है जो कि गैमोस से पहले होगा वो जो है क्या है 1+4 यानी कि कैलिक्स में सेपल्स का नंबर 5 होगा, एक अकेला होगा और 4 एक ग्रुप में होंगे। कोरोला की बात करते हैं तो कोरोला 5 होंगे जो कि फ्यूज्ड रहेंगे, 4 एक ग्रुप में होंगे, एक अलग होगा। और एपिपेटलस कंडीशन पाई जा रही यानी कि एंथर स्टेमन जो है वो पेटल से जो है वो फ्यूज्ड रहेंगे, तो ये एरो जो है शो कर रहा है एपिपेटलस कंडीशन को, ये जो ऊपर से जो एरो गया है। और ब्रैकेट का मतलब ये होता है फ्यूज्ड होना, जैसे कि यहाँ पर गैमोपिटेलस कंडीशन है फ्यूज्ड है, और यहाँ पर गैमोसिपेलस। सी का मतलब है कोरोला को डिनोट करना, ए का मतलब है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में देखिए स्टेमन 4 पाए जाएंगे जो कि दो दो के कंडीशन में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है गाइनोशियम जो है वो बाइकार्पलरी होगा यानी कि दो होंगे, दो कार्पल होंगे। सिम कार्पस है इसीलिए जो है हमने ब्रैकेट लगा दिया। और जी का मतलब होता है वो गाइनोशियम को डिनोट करता है। और यहाँ पर जो है अंडरलाइन जो है जो लगाया हमने टू के नीचे वो सुपीरियर ओवेरी को डिनोट करते हैं, अगर इंफीरियर होती तो टू के ऊपर जो है वो साइन लगा होता है। अब आइए देखते हैं फ्लोरल फार्मूला को, जैसे कि यहाँ पर जो है वो कैलिक्स का जो है यहाँ पर कैलिक्स को दिखा रहा है आउटर जो लेयर है वो 4+1 यानी कि 4 एक ग्रुप में है, 1, 2, 3, 4 एक ग्रुप में है और ये जो है अलग है, और चारों ही जो है वो एक दूसरे से फ्यूज है। हर काल का जो फ्यूज दिखा दीजिए, ये चारों ही फ्यूज है लेकिन एक एक ग्रुप में है, 4 एक ग्रुप में है। तो ये जो शो कर रहा है वो कर रहा है सेपल्स को, लिख दीजिए इससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। अब आइए कोरोला यानी कि पेटल्स को 4 एक ग्रुप में, एक एक ग्रुप में, और वो जो है इसे भी दिखा दीजिए आप हल्का का फ्यूज है ये, सॉरी लेकिन 4 एक ग्रुप में है और एक एक ग्रुप में है, देख लीजिए 1, 2, 3, 4 एक ग्रुप में है और ये अकेला एक ग्रुप में, चारों ही बल्कि फ्यूज है। एपिपेटलस कंडीशन यानी कि स्टेमन जो है वो पेटल से फ्यूज्ड है यहाँ पर, देखिए। अब जो है स्टेमन का नंबर 4 है तो 4 बना दीजिए, 1, 2, 3, 4। अब डायडाइनेमस कंडीशन है, दो जो है स्टेमन लार्ज होंगे, दो छोटे होंगे, तो दो लार्ज बना दीजिए आप, जैसे कि हमने बनाए हैं यहाँ पर 1, 2। अब जो है बात करते हैं कि गाइनोशियम जो कि बाइकार्पलरी, देखिए हमने गाइनोशियम को बाइकार्पलरी बनाया था लेकिन यहाँ पर बात हुई थी कि टेट्रालोकुलर दिखती है हमको सेप्टा के फॉल्स सेप्स यानी कि स्यूडो सेप्टा की वजह से, तो हल्का सा जो है यहाँ पर डॉट डॉट करके जो है लाइन बना दी, तो इसको जो है टेट्रालोकुलर हमको जो है दिखेगी। तो ये रहा आज लेमेसी के बारे में,
या जिसको जो है मिंट फैमिली कहते हैं उसके बारे में। आशा करते हैं कि आप लोगों जो है ये टैक्सोनॉमी का ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा ये फैमिली। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो है बॉटनी लवर फ्रेंड्स को जो है ये शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।